एग्जाम्पल नंबर 80 को देखो, ये भी इजी है, समझ में आ जाना चाहिए एकदम से। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि आपके पास एक बात है, बात का इनिशियल टेम्परेचर कुछ है और उसका फाइनल टेम्परेचर भी कुछ है। इट मीन्स कहीं ना कहीं बात को गर्म किया गया होगा जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ गया। जब टेम्परेचर बढ़ा है तो आपसे ये पूछा गया है कि इसका टेम्परेचर कितना बढ़ा, इसका मतलब यह है डिफरेंस इन टेम्परेचर बता दो, तो यह पूछा गया क्वेश्चन के अंदर। देख लो आपसे कह रहा था इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ अ वाटर बाथ आर इतने एंड इतने डिग्री, व्हाट इज द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर बाथ, कितना टेम्परेचर बढ़ गया। तो बढ़ने का मतलब यह है डिफरेंस इन टेम्परेचर, यह पूछना चाह रहा है। तो कैसे निकालोगे, देखो आपको पता है कि टेम्परेचर शुरुआत का इतना था और फाइनल इतना हो गया, तो टेम्परेचर का फर्क तो आप निकाल दोगे, लेकिन जो एरर्स है उसका क्या होगा। भाई एरर का मतलब होता है त्रुटि, कमी। तो पहले वाले टेम्परेचर में भी कुछ त्रुटि थी, फाइनल टेम्परेचर में भी कुछ त्रुटि थी, तो क्या त्रुटि का डिफरेंस हो जाएगा? नहीं, त्रुटि का डिफरेंस नहीं होता। जैसे कि आप टेम्परेचर का डिफरेंस कर दोगे तो त्रुटि का डिफरेंस मतलब एरर का डिफरेंस नहीं होता, एरर हमेशा ऐड हो जाती है। पहले वाले टेम्परेचर में भी कुछ कमी थी, फाइनल टेम्परेचर में भी कुछ कमी थी, तो दोनों कमियां ऐड हो जाएंगी, चाहे आप डिफरेंस करो चाहे आप सम करो, ये वाली बात ध्यान रखना। तो यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन, और ये आपके पास राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर ये कितना होगा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। फाइनल टेम्परेचर कितना आपके पास, 40 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड। इनिशियल टेम्परेचर कितना था, 18 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डिफरेंस करो, 40 में से 18 निकालोगे तो आ जाएगा 22 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस। एरर देखो कितनी है, 0.3 ये है, 0.5 ये है, तो 0.8 जुड़ जाएगी डिग्री सेंटीग्रेड। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 22 प्लस माइनस 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, अगर किसी की समझ में नहीं आया है तो कमेंट कर सकते हैं, दोबारा समझा देंगे। थैंक यू सो मच, अगले क्वेश्चन में मुलाकात करते हैं।